Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माई चैनल। ये व्लॉग जो है ना, ये बहुत ही पुराना है, सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर करना चाहिए। पुरानी मेमोरी जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि ईद की मेमोरी है। थोड़ी थोड़ी जो है ईद की क्लिप्स हैं, और उसके बाद जो है ना आगे बर्थडे थी मेरी नीस की, सो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखें जी, मैंने आपको बकरा भी दिखा दिया, और चांद रात की थोड़ी बहुत क्लिप्स थी, मेहंदी लग रही थी। सो बहुत लेट हो गई मैं इसको अपलोड करने में, लेकिन अब मुझे टाइम मिला, सो मैंने सोचा अब अपलोड कर लिया। 2000 years later, अल्हम्दुलिल्लाह से कुर्बानी डन हो गई थी, और उसके बाद मैं इंजॉय कर रही थी चना चाट। और जी रात को जो है मेरी खाला लोग की दावत थी, सो वो सब आ गए, और खाना बनाते बनाते जो है वो पता ही नहीं चलता टाइम का। तो ये व्लॉग भी मैं इसलिए इतनी देर से डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मेरी दोनों बहनें आई हुई थी रहने के लिए, और टाइम का पता ही नहीं चलता था। सो अब मुझे टाइम मिला है, सो इसलिए मैं अब अपलोड कर रही हूँ इस व्लॉग को। हम जा रहे हैं जी नीचे, ऊपर के सूरत हाल कुछ इस तरह है। ये बंद कर रहे हैं, कितनी अच्छी हवा चल, बहुत अच्छा मौसम है आज भी। चाय चाहिए कौन सी जनाब। सो आज है जी 5 जुलाई, और मेरी बहनें आ रही हैं रहने के लिए। उन्होंने आना था सुबह, और मैं रात को जो है ना मीठे की प्रेपरेशन कर रही थी, ताकि सुबह जो है ना मुझे कुछ थोड़ा बहुत बनाना पड़े। और काफ़ी प्रेपरेशन ने रात को ही कर ली थी, जैसे चिकन मैरिनेट करना हो, और ये कस्टर्ड पुडिंग जो भी है ये बनाना हो, तो मैं इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं ना पहले ही कर लेती हूँ, ताकि बाद में काम थोड़ा रह जाए। और वैसे भी आप लोगों को पता है मीठा तो वैसे भी ठंडा ही अच्छा लगता है। सो ये देखें थोड़ा बहुत डिज़ाइन, बहुत नींद आ रही थी लेकिन मैंने थोड़ा बहुत डिज़ाइन जो भी है ना करना चाहा, और वह मैंने कर लिया। और कुछ बच गया था, मैंने सोचा क्लासेस में भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। सो ये हो गया था जी डन। सो मेरी एक बहन जो है वो 5 जुलाई को ही आ गई थी, और दूसरी बहन जो है वो 6 जुलाई को आई थी। और ये देखिए जी, मैंने थोड़ा बहुत जो मुझसे बना होता था मैंने वो बनाया, और उनको बहुत अच्छा लगा। मैं उसको अम्मी वाला लगा के दी। 2000 years later, 6 जुलाई को मेरे भाई की बर्थडे होती है, सो आज है 6 जुलाई, और मेरी जो है ना बहन है, मैं उनके साथ जो है ना शॉपिंग करने के लिए आई हुई। हमने सोचा भाई के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लेते हैं और केक बाय कर लेते हैं, और हमने उनको बताया कि हमने कहा कि हम ना कहीं ऐसे ही नेबर्स में जा रहे हैं, और उनको हमने बताया ही नहीं, और हम उनके लिए जो है ना गिफ्ट्स लेने आ चुके हैं। और हमने सोचा कि ना परफ्यूम और कुछ इस टाइप की चीज़ें ही गिफ्ट कर देते हैं। सो हम बम्बिनो में आ चुके हैं, और इधर से जो है ना कुछ पसंद आएगा तो लेके चलेंगे घर। यहाँ पर बहुत सारे परफ्यूम टेस्ट करने के बाद हमें जो है एक परफ्यूम बहुत अच्छा लगा, उसकी स्मेल बहुत अच्छी लगी, सो हमने वो ले लिया, और मैंने भी एक अच्छा सा गिफ्ट ले लिया। और उसके बाद हमने रैपिंग का टाइम था, सो हमने रैप करवाए, और हम आ गए बेकरिन। केक तो लेना ही था ना, मस्त था केक। सो हम जो है ना हमने कहा कि यार नेक्स्ट डे जो है मेरी नीस की बर्थडे करनी थी, सो हमने सोचा यार थोड़ा छोटा केक ही लेते हैं। सो यहाँ से हमने जो है ना फिर एक केक ले लिया, कैरमल केक, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और अक्सर जो है आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में वही केक जो है ना हम बर्थडे पे जो है ना लेते हैं और उसी को खाते हैं, कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उसका फ्लेवर और बहुत लाइट होता है। सो डेट्स वाई हमने जो है यहाँ से ये वाला केक ले लिया था, अपना कैरमल केक। सो केक जो है डिसाइड हो गया था, और उसके बाद जो है ना हमने इस पर नाम, ये वाला केक डिसाइड हुआ था, और उसके बाद इसके ऊपर जो है ना हमने लिखवाना था हैप्पी बर्थडे भाई, सो वो लिखवाया जा रहा है चॉकलेट के साथ। यहाँ पर जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अभी जो है ना हमने जस्ट केक लेना था, सो डैट्स वाई हमने केक लिया। और उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों को ये भी चीज़ें दिखा दूँगी, यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है जिनको पता नहीं है, लेकिन बेकरिन जो है ना मेरा फेवरेट है। जब किसी और का केक जो है ना इतना पसंद ही नहीं आता, जब से मैंने बेकरिन लेना शुरू किया है जैसे केक। और यहाँ पर हम जो है ना वापस जा रहे हैं,
हमने उसी रिक्शे में जो है ना उनको रोक दिया था अंकल को, और केक उठाया अपना, और मेरी कज़न जो है ना उसको भी पिक किया रास्ते से, और उसका घर पास ही है बेकरी के, हमने उसको भी ले लिया। अब जी टाइम था कि हम गिफ्ट्स खुलवा के देखें किसने क्या दिया है, और मेरा भाई जो है ना वो गिफ्ट खोल के देख रहा था किसने क्या दिया। तो सब बहनों ने ना कोई गिफ्ट दिया हुआ था, सुबह सारे गिफ्ट्स जो ओपन किए जा रहे थे। अजीम हस्ती बारिश में नहा रही है और बारिश को इंजॉय कर रही है। तेज बारिश। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट डे मेरी नीस की बर्थडे है, सो आज वही दिन है, मेरी नीस की बर्थडे हम पहले ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उसकी बर्थडे जो है ना वो 3 सितंबर को होती है, वो आई हुई थी, सो हमने सोचा क्यों ना पहले ही सेलिब्रेट कर ली जाए। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डेकोरेशन में काम आएंगी। अब सबसे पहले जो है ना हम डेकोरेशन करेंगे। मैंने सोचा यार स्कूल तो गए नहीं है, चलो यही काम शुरू कर लेते हैं। सो स्कूल से तो मेरी छुट्टी हो गई थी बिकॉज बारिश की वजह से। सो अब जो है ना हमने डेकोरेशन की, और उसके बाद अब केक कट हो रहा है, सो आप लोग ये इन्जॉय करें, आपको डेकोरेशन भी ज़रूर दिखाऊंगी। सो माशाल्लाह से बहुत रौनक मेला लगा हुआ था, मेरी दोनों बहनें थी, उनकी खाला थी, बहुत सारे लोग जो है ना जमा थे, और बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत सारी गैदरिंग हो चुकी थी, और बहुत सारे हर किस्म के बच्चे थे, हर साइज़ के आपके बच्चे नज़र आएंगे, और बहुत मज़ा आ रहा था, बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और इशाल जो है उसको मेकअप बहुत पसंद आते हुए हमने जो है मेकअप थीम का ही जो है ना केक बनवाया। बहुत ज़्यादा गर्मी थी जिसकी वजह से केक की हालत जो है ना आप लोग देख सकते हैं क्या हो चुकी है, और हमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन अब जो है ना बर्थडे तो सेलिब्रेट करनी थी ना, सो इसके बाद हमने खाना खाया। आज स्कूल में हम जो है ना थोड़ी बहुत डेकोरेशन का काम कर रहे थे, सो वो काम जो है ना ख़त्म हुआ, और उसके बाद ऊपर आ गए लाइब्रेरी का काम करने के लिए। गलत टाइम है, ऊपर से देखते हैं क्या हो रहा है, नीचे नहीं नजर आएगा। ओ देखे भाई क्या हो रहा है, बिल्डिंग रेडी हो रही है, बस कुछ ही वक्त हो रहा है, फिर हम ये पूरी कंप्लीट मिल जाएगी, है ना। सो आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।